हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे NIS DLED के साथ साथ नीट के विद्यार्थियों का इस समय लगातार प्रदर्शन जारी है। आपने देखा होगा यूनिक इनका प्रदर्शन करने का यूनिक तरीका है। उन्होंने सरकार को चिताया है, सरकार को बताया कि हमारी बातों को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया और साथ साथ कहा शिक्षा मंत्री को इस बात पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको हमारे पक्ष में जब कोई बात नहीं करनी है तो चाहे वो NIS DLED के विद्यार्थियों या नीट के विद्यार्थियों और किसी भी तरह के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ये नहीं होगा। उन्होंने मोदी सरकार को भी निशाना साधते हुए कहा है कि अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती तो सरकार को हमको अच्छी तरह पता है कि किस तरह सरकार से डील करना है। उनका प्रदर्शन करने का तरीका यूनिक है, इसीलिए सभी से अनुरोध है NIS DLED के विद्यार्थी, जैसे को कहा गया कि दिल्ली आप भी पहुंचे और इसी तरह प्रदर्शन में शामिल रहें। और चलिए देखाते हैं आपको उनका क्या कहना है, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती हम इस तरह प्रदर्शन जारी रखेंगे। मामला कोर्ट में गया, ये कंडीशन ही क्यों आई, मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये कंडीशन किस वजह से आई? नरेंद्र मोदी की निकम्मी नकारा नासमझ सरकार की वजह से आई कि आज ये उन्हें कड़े से कड़े सजा हो, उसके गुर्गों को पकड़े जिन्होंने हमारे युवाओं का भविष्यांत कारमय किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। और अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे, वरना उनका शिक्षा मंत्री के पद माननीय पद पर बैठना थूक के बराबर है। इनडायरेक्ट संबंध जो है बीजेपी के विधायक, बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष या बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर किसी ना किसी के पास होता है। तो एक हमारे हरियाणा में कहावत है, जब बाढ़ खाने लग जाएगी ना खेत को तो खेत को कोई बचा नहीं सकता। तो ये मोदी जी और मोदी जी की कैबिनेट और ये तमाम बीजेपी RSS इस देश को जो है दीमक की तरह खाने लग रही है। हमारा सिर्फ प्रोटेस्ट ये है कि आप जो आपको प्रधानमंत्री बनाया है देश की जनता ने, आप जो है अच्छे से देश को चलाइए और देश के बच्चों के साथ जो इस देश का भविष्य है खिलवाड़ करना बंद कीजिए, नहीं तो हमारा ये प्रदर्शन चलता रहेगा और हमारी खुद की खेती है बाल। तो जो नीट पेपर की परीक्षाएं उनको जिस प्रकार से धांधली की जा रही है उस पर चर्चा ना करना देश के प्रधानमंत्री का, देश के शिक्षा मंत्री का, मैं उस पर एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय ये है कि भाई जो आम सामान्य वर्ग से बच्चे पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी कोई भी आवाज नहीं उठा रही, और राहुल गांधी जी उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो श्री दीपेंद्र जी माननीय सांसद रोहतक हरियाणा से है, वो आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को बंद कर दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है आप बैठो, आपको कुछ पता नहीं। क्या हमारे सांसद ऐसे ही सांसद थोड़ी बने हैं? वो US से पढ़ाई करके आए हैं। हमारे देश के जो लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री धारक है। तो क्या आप इस तरीके के जो माहौल बनाया जा रहा है, माइक को बंद कर देना, चर्चा विषय जो शिक्षा का विषय पे चर्चा करना, हमारा मिडिल फैमिली का एक ही उद्देश्य है शिक्षा, अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो इस